इट्स रेस इन टाइम। लोग आज माय नेम इज पूनम धरन, यो वॉचिंग रेस। पर आज हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर WWE ने एक मैच को अनाउंस कर दिया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता, रेसलमेनिया में बिगी और अपोलो क्रू का WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होता है, जहां पर अपोलो क्रू चीटिंग से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाते हैं और बिगी को हरा देते हैं। उसके बाद 2 वीक पहले स्मैकडाउन के एक एपिसोड में अपोलो क्रू और केविन ओवन का मैच होता है, जहां पर अजीज केविन ओवन पर अटैक कर देते और डिस्क्वालिफिकेशन से ये मैच खत्म हो जाता है। उसके बाद पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में केविन ओवन और अपोलो क्रू का एक बार फिर मैच देखने को मिला और इस बार अजीज बैन थे। इस मैच में अपोलो क्रू जीत जाते और उसके बाद सेमी जेन आकर केविन ओवन पर अटैक करते हैं। इसी के चलते WWE ने एक मैच अनाउंस किया था, जहां पर बिगी और केविन ओवन का मुकाबला सेमी जेन और अपोलो क्रू के साथ होना था। इस मैच में केविन ओवन पिन करके सेमी जेन को हरा देते हैं। इसी के चलते अपोलो क्रू बिगी और केविन ओवन को अगले हफ्ते के लिए एक बार फिर चैलेंज करते हैं, लेकिन इस बार अपोलो क्रू का साथी सेमी जेन नहीं बल्कि उनका अजीज होगा और WWE ने इस मैच को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में अपोलो क्रू और सेमी जेन का मैच बिगी और केविन ओवन के साथ देखने को मिलने वाला है। गाइज अपने प्रेडिक्शन कमेंट में बताना ना भूले। आज का वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाई।